लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। जो नए आने वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि वो भी इस तरह के शो से रोज अपने आप को एंगेज कर सकें, बिकॉज आई टॉक अबाउट क्रिकेट एंड क्रिकेट इज समथिंग दैट यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई एवरी लेटेस्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट इज गोइंग टू बी आईपीएल का मैच जो कि हुआ राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और दूसरा जो टॉपिक हमारा होने वाला है इज गोइंग टू बी अबाउट अनदर क्योस इन पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट। बट फर्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द आईपीएल सॉर्ट ऑफ थिंग। सबसे पहले तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आज एक और मैच था राजस्थान रॉयल्स वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अपने फैंस का दिल फिर तोड़ा। और मैं जैसे कहती हूँ हर वीडियो में मैं ये कहती हूँ कि ये जो आरसीबी है ना ये सिर्फ एक प्लेयर पे ऑपरेट कर रही है, बाकी पूरी टीम फारिग है। मतलब यू टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर या फिर फील्डिंग में, हर डिपार्टमेंट में ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फारिग टीम है, ये वो टीम है। ठीक है, सिर्फ एक बंदे विराट कोहली पे ये टीम ऑपरेट कर रही है। अगर उस एक बंदे को जो है आप इस टीम से निकाल दो तो ये टीम ना कंपेटिटिवली कुछ है, ठीक है, ना जिसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग टर्म्स में अगर बात करें तो उसमें भी ये टीम विराट कोहली के बगैर कुछ भी नहीं है। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप दूध में से दूध ही निकाल दो तो पीछे पानी रह जाएगा। ठीक है, अब आई डोंट नो दिस एग्जांपल सूट्स ओवर हियर और नॉट, बट द पॉइंट इज कि आरसीबी इज नथिंग विदाउट विराट कोहली, और आज तो आप लोगों को इस चीज का एक और प्रूफ मिल गया है। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्कोर कार्ड लेटर। अभी बीइंग एन आरसीबी फैन आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं मुझे दुख हो रहा है अंदर ही अंदर के कि क्या हो रहा है, ये क्यों है ऐसी टीम, इतनिया बेड़ा गर्क क्यों है इस टीम का। मैं अ लीग अ टूर्नामेंट वेयर एवरी टीम इज फाइटिंग, ठीक है, फॉर द स्पॉट ऑफ यू नो फाइनल्स, गेट इन द सेमी फाइनल्स, आरसीबी यहाँ पे दो मैचेस भी नहीं जीत पा रही, इतना बुरा हाल है इस टीम का। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्कोर कार्ड। आरसीबी बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 184, ठीक है, फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि बैटिंग में बहुत ही किसी ने कोई शानदार परफॉर्मेंस की होगी, सिर्फ 3 विकेट्स गिरी और इसको, हालांकि टारगेट इतना उस तरह से अच्छा नहीं था, बट फिर भी विराट कोहली ने 113 नॉट आउट खेला ऑफ 72 डिलीवरीज, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के, शानदार इनिंग्स खेली, जबरदस्त इनिंग्स खेली, इनिंग्स ऑफ लाइफ खेली। अब विराट कोहली की इस तरह की इनिंग्स आपको यूजुअली उसमें चेज में देखने को मिलती है, मतलब ही इज वेरी गुड इन चेजिंग, ही इज अ चेज मास्टर, उसको फॉर अ रीजन कहा जाता है। बट द वे ही हैज इवॉल्वड हिमसेल्फ इनटू सॉर्ट ऑफ सेटिंग अ टारगेट दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। ठीक है, एक टाइम पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि ये उसका काम नहीं, बट सिंस ही रियलाइज कि पूरी टीम उस पर ही चल रही है तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने अकाउंटेबिलिटी ली एंड दिस इज हाउ ही इज ऑपरेटिंग हिमसेल्फ एट द मोमेंट। मतलब यार जबरदस्त इनिंग्स। ठीक है, उसके अलावा फैफ डू प्लेसिस ने 44 ऑफ 33 बॉल्स के, शुक्र है कप्तान साहब ने भी कुछ कर लिया, उनको भी थोड़ा एहसास हो गया कि वो भी टीम के कप्तान है तो उन्होंने भी ये रन स्कोर कर लिए जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया, कैमरॉन ग्रीन ने कुछ नहीं किया, बाकी क्या ही बैटिंग लाइनअप के बारे में बात करूं मैं। बोलिंग में बात करें अगर आप राजस्थान रॉयल्स की, तो ट्रेंट बोल्ट ने कुछ नहीं किया, बर्गर ने 1 विकेट ली, एश्विन ने कुछ नहीं किया, युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट्स ली, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स उसने निकाली, आवेश खान ने भी कुछ नहीं किया। मतलब बोलिंग वॉज वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो कॉमन और जिसे कहते हैं वेरी एवरेज, बट सिंस द स्पिन डिपार्टमेंट इज सॉर्ट ऑफ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन विद आरसीबी की बोलिंग, इसलिए उन्होंने विकेट्स निकाली। अब जब राजस्थान रॉयल्स केम ऑन टू चेज तो एक जबरदस्त सेंचुरी आई, किसकी तरफ से भाई, जॉस बटलर की तरफ से, 100 ऑफ ओनली 58 बॉल्स जिसमें उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के लगाए, व्हाट एन इनिंग्स। अगर आप आज के मैच में 2 सेंचुरी स्कोर हुई, एक थी विराट कोहली की और एक थी जॉस बटलर की, ठीक है,
लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अब आई डोंट नो व्हाई विराट कोहली इज सिर्फ गेटिंग अननेसेसरी हेट। ठीक है, बहुत सारे लोग उनको फजूल में हेट दे रहे हैं कि भाई इससे तो मैच हरवा दिया, इसकी सेंचुरी तो पानी में गई है, इट ऑल इन वेन। बट लेट मी टेल यू, अगर ये जो 100 रन विराट कोहली की तरफ से अगर ये भी ना आते ना, तो फिर आपकी टीम भी गई थी। ये जो आप थोड़ा बहुत इज्जत से हारे हो, ये भी आप नहीं हारते अगर विराट कोहली की तरफ से वो रन नहीं आते। बट अगैन जॉस बटलर प्रूव्ड हिमसेल्फ के T20 जो है ना, मतलब एक तरह से उन्हें बताया कि क्लास इज परमानेंट बट फॉर्म इज टेम्परेरी, फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। एंड जॉस बटलर ऑलवेज मैनेजेस टू शो दैट फैक्ट इन हिज बैटिंग। ठीक है, उसके अलावा जॉस बटलर ने आपको एक और चीज शो करके दिखाई कि आजकल का जो जमाना है ना, उसमें T20 क्रिकेट इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व होने का मतलब ये होता है कि ये एक इस तरह का फॉर्मेट बन गया है कि इसमें आपको आते ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है, एंड यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट एंकरिंग रोल। ठीक है, उसकी जरूरत, उसका टाइम ही नहीं होता। यू जस्ट नीड टू कम, यू जस्ट नीड टू हिट विनिंग रन्स एंड दैट्स इट, यू आर गॉन विद द मैच। ठीक है, तो जॉस बटलर ने एक तरह से वो चीज़ शो किया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नई इंटरनेशनल लीग्स में चल जाता है कि आप एंकर रोल ना होते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में नीड टू बी सिर्फ अ टाइप ऑफ प्लेयर जो एंकरिंग रोल अदा कर सके। अब मैं आपको बताती चलती हूँ पिछले 2 सालों में कौन सी 2 टीम्स वर्ल्ड T20 चैंपियंस रह चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और दोनों टीम्स के पास अपनी प्लेइंग 11 में कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता जो कि जैसे कहते हैं एंकर रोल प्ले करे। तो द पॉइंट टू सिर्फ प्रूव ओवर हियर इज ओनली के एंकरिंग से कुछ नहीं होता, माइंडसेट एंड हिटिंग, दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट देन यू नीड टू कम एंड यू नीड टू बैट ऑन, बिकॉज T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट हिटिंग, इट इज ऑल अबाउट कैमियोस, इट इज ऑल अबाउट यू नो सिर्फ क्विक रन्स। अगर आप वो स्कोर नहीं करते हो सो आप हार जाओगे। और राजस्थान रॉयल्स का टारगेट 184 का था, बट दे गॉट अवे विद द मैच स्कोरिंग 189 रन्स विद 5 बॉल्स स्टिल लेफ्ट एट अ साइड। क्या जबरदस्त इनिंग्स उसने खेली। फिर जयसवाल कुछ नहीं कर सके, संजू सैमसन द कैप्टन स्कोर 69 ऑफ 42 बॉल्स जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। रीस टॉपली आई वुड से कि RCB की बॉलिंग तो फारिग है, ये तो आपको भी पता है, ये तो मुझे भी पता है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड फैफ डू प्लेसिस एक इतना एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि रीस टॉपली अगर आपको मिल ही गया है, उस जैसा एसेट आपको अपनी बॉलिंग में मिल ही गया है, तो उसको ठीक से यूटिलाइज करो। पहले 2 ओवर्स उसने करवाए, 9 रन सिर्फ देकर 2 विकेट्स उसने निकाल ली। फिर वॉट वॉज द नीड टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग हिम ऑन दैट टू सॉर्ट ऑफ टू लेटर इन द इनिंग्स, इतने लेट उसको लेकर आने का मकसद क्या था भाई? आप उसको अटैक करवाओ उससे, ये तो पाकिस्तान वाली मेंटेलिटी हो गई कि इसको बचा के रखते, उसी वक्त उसको अटैक पे लगाते तो आप क्या कहते हैं उस तरह से चाहे ना भी होता चेज। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। मोहम्मद सिराज अगैन चलता है तो पागल हो जाता है, एक एक ओवर में 5-5 विकेट्स निकाल लेगा, लेकिन जब नहीं चलेगा तो फिर चलेगा ही नहीं। सो दिस इज हाउ द मैच ऑफ IPL टुडे सम्स अप। और मुझे नहीं लगता कि आप RCB का इस सीजन, मुझे लगता नहीं कि आई एम डैम कन्फर्म्ड कि RCB इस सीजन पे बगैर ट्रॉफी के जाएगी, बल्कि शायद और जलालत के साथ वापस जाए। नाउ ऑन टू पाकिस्तान क्रिकेट सर्कस। हर दफा, हर वक्त, हर पल, हर लम्हा कुछ ना कुछ इस क्रिकेट बोर्ड में होता रहता है। और अगेन हुआ शाहिद अफरीदी, अगर आपको याद हो जब शाहीन शाह अफरीदी वॉज इन चार्ज एज द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम, तो शाहिद अफरीदी एक बात करते थे। वो बात क्या होती थी? वो बात ये होती थी कि यू नो ही ऑलवेज वॉन्टेड मोहम्मद रिजवान टू बी द कैप्टन आफ्टर बाबर आजम। वो कभी भी नहीं चाहता था कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने, हालांकि जब शाहीन कप्तान बन भी गया था उसके साथ उसके सामने बैठ के जो है वो ये बात करते थे। और वो ये भी कहते थे बड़ी ढिटाई से, जो है जैसे कहते हैं बड़ी दिलेरी से, वो TV पे एक बात करते थे कि मैं तो जक्का अशरफ को कहता था कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए बाबर आजम के बाद T20 टीम का, शाहीन अफरीदी इज नॉट दैट सूटेबल फॉर दिस पोजिशन। और आज जब जक्का अशरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप, एक जिसे कहते हैं पोस्ट टॉक में, एक मीडिया टॉक में बात की जा रही थी, तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि वाकई ऐसा है क्या, शाहिद अफरीदी ने आपको इस तरह का कुछ कहा हुआ था कि आप जो है वो बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए और शाहीन शाह अफरीदी को ना बने? तो एक तरह से पोल खुल गया कि मतलब जक्का अशरफ ने कहा नहीं ऐसा, तो वो एक तो पहले वो हैरान हुए ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं।
उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, ना मुझे शायद अफरीदी ने ऐसी कोई बात की है। बल्कि फिर उन्होंने आगे मजीद शेयर किया कि बाबर आजम एक बहुत अच्छे बैटर हैं, बट कप्तान के तौर पे हमने ये फील किया कि वो प्रेशर सिचुएशंस में आके उनकी कप्तानी बहुत बिगड़ जाती है और वो टीम को नहीं संभाल पाते, उस तरह से बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए हमने उनको कप्तानी से हटाने का फैसला किया ताकि वो अपनी इंडिविजुअल बैटिंग पर भी फोकस करें और अपने माइलस्टोन्स बनाए, क्योंकि ये जो टाइम है उनकी पीक टाइम है एंड इज सॉर्ट ऑफ सेट फॉर ऑल दोज रिकॉर्ड्स। बट इस तरह से हमको तंग करके कप्तानी में ड्रैग नहीं करना चाहते, बहुत सारी उन्होंने बातें की। बट यहाँ पर उन्होंने शाहिद अफरीदी का जो है वो एक तरह से पोल खोल दिया। अब सच क्या है, क्या शाहिद अफरीदी ने वो सच में बात की थी या नहीं की थी, ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, ये ना ही हमें ये पता है कि जका अशरफ साहब झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि क्या वाकई मोहम्मद रिजवान को कप्तान होना चाहिए था बाबर आजम के बाद, बाबर आजम को दोबारा से ऑल ओवर अगैन अगर लेकर आए तो क्यों लेकर आए, जब उसको निकालना था तो उसने कप्तानी क्यों एक्सेप्ट की, मुझे ये थोड़ी जो है वो बात समझ से बाहर है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करती हूँ। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या सब लोगों ने आपने ईद की शॉपिंग कर ली है, क्या सीन चल रहा है, ठीक है, इस चैनल के साथ एंगेज रहें, क्योंकि ये जो चैनल है ना, अब मैं बेसिकली करने क्या वाली हूँ कि इस क्रिकेट कैप्सूल्स के शो में आई विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ अदर आइडियाज, स्टैट्स की वीडियोज बनाएंगे, कौन सी टीम करंट वर्ल्ड क्रिकेट में रूल कर रही है उस पर वीडियो बनाएंगे, तो आई विल बी कमिंग अप विद लाइक लॉट्स ऑफ इनोवेशन आइडियाज, उसके लिए यू विल हैव टू अटैच विद मी, यू विल हैव टू अटैच योरसेल्फ विद मी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लास्टली प्रेस कर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ईद आप लोगों की कैसी होगी, शॉपिंग कर ली है, रमजान कैसा गुजरा एंड एक्सेट्रा। दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.